The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar sabhi ko, adab, sat sri akal. So digestion ke baare mein aapko bahut kuch pata hona chahiye. Kai logo ke aapke मैंने कई बार वीडियोस ऐसे देखे हैं जो लोगों को बताते हैं कि आपके अंदर सालों से सामान डाइजेस्टिव सिस्टम में सड़ रहा है, वो बर्गर जो आपने 10 साल पहले खाया था अब भी वहीं पड़ा है, आप च्यूइंग गम खा रहे हो तो च्यूइंग गम पड़ी रहती है अंदर और आपका डाइजेशन ख़राब करती है, उसी वजह से आपको पेट ख़राब हो रहा है, उसी वजह से आपको नींद नहीं आती, उसी वजह से आपको स्ट्रेस है, उसी वजह से ये है, उसी वजह से वो है. सो कई सारे ऐसे इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, डाइजेशन में किस चीज़ को डाइजेस्ट होने में कितना वक्त लगता है और डाइजेशन किस स्पीड में होता है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे. पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि नहीं, डाइजेशन की कोई फिक्स्ड स्पीड नहीं है. डाइजेशन की आपके बॉडी के अंदर कोई फिक्स्ड स्पीड नहीं है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डाइजेशन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आपके सेक्स, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपका थायराइड फंक्शन, आपके हार्मोन लेवल्स, आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जब भी आप खाना खाते हो वो खाना 6 से 8 घंटे लगता है वो खाना पूरी तरह से आपके स्टमक से आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचने में 6 से 8 घंटा लगता है, एक एक पीस, एक एक चीज को ऊपर. लेकिन शुरुआत इमीडिएटली हो जाती है, शुरुआत जैसे ही जाते हैं अगले आधे घंटे के अंदर वो स्टमक से नीचे निकलना शुरू होता है. लेकिन किसी का किसी पूरे के पूरा डिपेंड करेगा आपने क्या खाया. कुछ चीज गलने में टाइम लगता है तो किसी को 3 घंटे लगते हैं, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 घंटे लगते हैं स्टमक से नीचे जाने में लिटरली. उसके बाद आपका स्टमक से इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी बात आई है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि अच्छा खासा 6 मीटर लंबी है, तो वो फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और समय लगा के. लार्ज इंटेस्टाइन जो कि आपका बड़ी आंत है वो और ज़्यादा उसको डाइजेस्ट करता है. स्टमक का काम है सिर्फ उसको चर्न करना, सिर्फ उसको मसलना, उस चीज़ को छोटा छोटा तोड़ना. स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है कि उसको और छोटा तोड़ के उसको छोटे छोटे उसके कार्बोहाइड्रेट्स, उसके ग्लूकोज में, सुक्रोज में, फ्रुक्टोज, उसके जो छोटे एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स, उस लेवल तक तोड़ना. छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स वो सब एब्जॉर्ब होते हैं छोटे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो एब्जॉर्ब नहीं होते, लेफ्ट ओवर चीज जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो फिर उसको और डाइजेस्ट करने की कोशिश करते. लार्ज इंटेस्टाइन में आपके बैक्टीरियाज होते हैं, बड़ा फ्लोरा होता है, जो गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया, वो उसको और डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं. ब्लोटिंग गैसेस बनती हैं, जितनी मुश्किल होती है उनको उतनी गैस इसलिए पादे आती हैं आपको, इसीलिए वहां पर. सो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहां पर उसके बाद जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाके आपका मेन पानी एब्जॉर्ब होता है और स्टूल्स हार्ड होते हैं और आखिरी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाते हैं आपके एनस से. जब हम अगर रिसर्च निकाल के देखोगे कि भाई एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है कि मुंह में खाना डाला वो आपके एनस तक स्टूल लैटरिन बन के कितने देर में निकलेगा, कितना समय लगेगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए, तो ये देखा गया एवरेज टाइम उसका है 30 घंटे, किसी केस में 40 घंटे, किसी में 50 घंटे हो सकते हैं. 30, 40, 50 घंटे लगते हैं खाने को मुंह से स्टूल्स बन के बाहर निकलने के लिए. वरना तो ऐसे होता खाया और गया, ऐसा नहीं है. इमीडिएटली कोई भी चीज आपकी वहां तक नहीं पहुंच सकती. तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि इमीडिएट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. कोई भी चीज का इमीडिएट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है सिवाय मुंह के. मुंह के अंदर कोई चीज रखोगे तो उसका डायरेक्ट खून में जाना शुरू हो जाता है, लेकिन माइनर अमाउंट में. जो पेट में गई उसको पेट में पहले गलना होगा, स्टमक से नाके बराबर एब्जॉर्ब होके नीचे जाता है वो, और इंटेस्टाइन में जाने में उसको 3 से 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं. सो
आइए बात करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के कि कार्बोहाइड्रेट कब डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कब डाइजेस्ट होता है, फैट कब डाइजेस्ट होता है। देखिए ये डिपेंड करेगा वो कितने कॉम्पैक्ट है। अल्टीमेटली मुंह का काम है चबा चबा के उसको छोटा करना, सेमी डाइजेस्ट करना, मुंह के अंदर ही अमाइल, इसमें जो सलाइवरी अमाइलेज है उसके साथ में, सलाइवरी अमाइलेज के साथ आपको डाइजेस्ट करना है, मतलब उसको खाना है, ये ज़रूरी बिल्कुल सही बात है। सलाइवरी अमाइलेज आपके थूक में है, आपके सलाइवा में है, उसके बाद जब आप उसे खा लेते हैं तो वो स्मॉल में आपकी फूड पाइप से होके पेट में जाता है। पेट में डाइजेशन आपके एसिड है, मेन आपका HCl एसिड है, वहाँ पर वो एसिड उसको गलाता है, चर्न करता है उसको और गलाता है। तो जो जो सिंपल फूड है जैसे शक्कर है, शक्कर तो चीनी में डाल दोगे ऐसे करोगे घुल जाएगी, तो उसको तो एसिड में डालोगे तो फक से घुल जाएगी, उसको तो पता ही नहीं चलेगा, फटाफट वो नीचे चला जाएगा और पूरी की पूरी अगले आधे घंटे में स्टमक के नीचे मिलेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि फटाक से आपके खून में चले जाएगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ जैसे एक चिकन का पीस, एक अंडा या एक ब्राउन ब्रेड या ऐसा कोई आपने खा लिया, मान लीजिए ओट्स खा लिए, ओट्स है थोड़े कॉम्पैक्ट, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये टूटने में समय लगेगा, कॉम्प्लेक्सली जुड़ा हुआ है, टूटने में समय लगेगा इसको। सो ये वही चीज़ है, टूटने में समय लगने वाली चीज़ है, बस इतनी सी है, तो उसको टूटने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए वो धीरे धीरे टूटेगा क्योंकि वो एक साथ बिखर नहीं जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कोई ऐसी चीज़ जो एक साथ बिखर जाए और फिर वो सारे का सारा एब्जॉर्ब हो जाए, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे वे प्रोटीन, जैसे सिंपल शुगर, जैसे सिंपल प्रोटीन, जैसे वे प्रोटीन आइसोलेट्स और वो सारे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते क्योंकि वो टूटते देरे से है। वैसे ही फैट है, फैट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ट्राइग्लिसराइड कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो वो बहुत ही धीरे धीरे टूटते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होते हैं स्लोली। एक फैट को, और ये जो 6 से 8 घंटे लगते हैं ये मेनली फैट को लगते हैं, जो भी खाते हो उसमें कुछ ना कुछ फैट ज़रूर होता है, इसलिए उसको साइन कमे लगता है पूरे के पूरे खाने को। कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी होता है, प्रोटीन उसके बाद होगा, फैट उसके बाद होगा। तो ये तरीका है, ये तीन चीज़ें हैं एब्जॉर्प्शन की। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स खाना खाना है, आपको क्या करना है, फैट कम खाना है, आपको क्या खाना है, बैलेंस खाना है। बैलेंस वाली चीज़ें हमने पहले बहुत सारे वीडियोस में बात करी है, तो इस सिलसिले में और भी बात करेंगे। आप पहले अपने कुछ सवाल लिख लीजिए, मैं बात करता हूँ फिर। ओके।